हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इंसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में जो है मार्केट कंटिन्यूसली उसी जगह पे मेंटेन है। इनफैक्ट ये पूरा वीक हमने देखा कि मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गया है। अब यहाँ पे हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, स्पेशली जो है वीकेंड चल रहा है तो यहाँ पे वॉल्यूम तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट प्राइस एक्शन पे अगले आने वाले जो 24 आवर्स उसमें क्या हो सकता है, जो इम्पैक्ट है जो इस करेंट वीक के क्लोजर का, वो ऑनवर्ड जो कमिंग वीक है उस पर क्या पड़ सकता है, इसके ऊपर बात करूंगा। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो साइडेटी कभी भी आपको डायरेक्टली इंडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल का नाम सबको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उनको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे अगर आप ट्रेडिंग प्लान करना चाहते हो या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो, तो मेक श्योर करो कि फ्री 4 आवर का जो क्रैश कोर्स मैंने दिया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, जरूर जाकर देखो, समझो, बैक टेस्ट करो, कॉन्फिडेंस आए तभी आप ट्रेड में उतरो। एंड अदरवाइज आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी उसे यूज कर सकते हो हायर टाइम फ्रेम पे। सारे डिटेल्स वीडियो के अंदर दिए गए हैं, कोर्स के अंदर दिए गए हैं, तो जरूर जाके चेक कीजिएगा। तो गाइज, विदाउट डिले शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन के चार्ट की। बिटकॉइन का चार्ट ऑल दो मैं इस पूरे वीक जो था अनअवेलेबल था, फिर भी मैंने ट्राई किया बीच बीच में आपको अपडेट करने के लिए, बट स्टिल ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी इशूज एंड ड्यू टू यू नो ऑन कंटिन्यूस ट्रैवलिंग, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू यू नो गिव द अपडेट्स। सो फाइनली आई एम केम हेयर बैक टू माई होम। एंड यस, नाउ ऑनवर्ड्स आई विल कंटिन्यू दिस जर्नी जो हम जर्नी चल रहे हैं। एंड डेफिनेटली जो पिछले 1.5 साल में सिर्फ ऐसा 2 दिन हुआ है पिछले इसी वीक जब मैंने सारा टीए वीडियो अपलोड नहीं किया, सो सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस, बट यस डेफिनेटली जो है वापस से हम जो है अभी इस वीक ऑनवर्ड जो है हम वापस से कंटिन्यू करेंगे। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे प्राइस एक्शन की बात करूँ मार्केट में, पिछले वीक मैं बार बार बोल रहा था कि कोई बड़ा मूव आने वाला है, एंड इफ वी आर एबल टू यू नो ब्रेक द बॉलिंजर लेवल लोअर बैंड देन वी कैन सी द हायर वॉलिटिलिटी एंड टूवर्ड्स 25,000 24,000 इट इज पॉसिबल। एंड 24,000 तक यस एज पर टारगेट इट वॉज रीच ओवर दिस वीक ओनली। एंड डेफिनेटली जो है उसके बाद से मार्केट में फर्दर हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है। एंड अभी आप इंडिकेटर्स की बात करूँ वनडे के चार्ट पे, सिर्फ टीए की भी बात करूँ तो वनडे के चार्ट पे स्टिल वी आर इन द डेंजर जोन। आई कन्फर्म यू कि यार यहाँ पे काफी नीचे हम 20 के बिलो जाने वाले हैं, दिस इज रियली लुकिंग बैड। तो हमें अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो मेक श्योर करना कि यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। बट यस, मार्केट इज गोइंग डाउन एंड डेफिनेटली जो है अब हम सकोष्टिकार ऐसा है, सिंपल सा फॉर्मूला जो मैंने आपको हमेशा बताता रहता हूँ, 20 के बिलो इज नॉट गुड फॉर द एनी चार्ट, राइट? तो 20 के बिलो है, मोमेंटम इंडिकेटर डाउन है, मैं 0 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा था रेजिस्टेंस, बट उससे पहले हमें -10 के आसपास ही रेजिस्टेंस देखने को मिला। आई वार्न यू एट दीज लेवल्स एज वेल। एंड डेफिनेटली जो है इसके बाद यहाँ पे बात करूँ मैं मोमेंटम के अलावा, यहाँ पे तो जरूर जो है वॉलीटिलिटी जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ग्रीन लाइन जरूर बढ़ रहा है लेकिन व्हाइट लाइन इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, सो वी माइट सी सम बिग यू नो बॉन्स ऑन दीज व्हाइट लाइन्स। एंड डेफिनेटली जो है व्हाइट लाइन के साथ क्या ग्रो करता वो बहुत बड़ा डिसीजन मेकर होगा। तो वहां पे हमें देखने को मिला रेड लाइन ग्रो करता हुआ 10 जनवरी ऑनवर्ड। एंड डेफिनेटली जो है वहीं से हमें देखा प्राइस एक्शन बहुत तेजी से ड्रॉप करता हुआ, मैकडी हमारे अगेंस्ट हो गया था 12 जून को ही ऑनवर्ड। एंड डेफिनेटली जो है प्राइस उसके बाद से कंटिन्यूसली गिर रहा था एंड ये पूरे वीक हमने देखा प्राइस को नीचे गिरते हुए। अब मैकडी काफी नीचे आ गया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो अभी रिसेंटली बॉटम आया था फिर से हम उसी जगह को अप्रोच कर रहे हैं। डेफिनेटली कल संडे है तो यहाँ पे संडे तक मोमेंटम में कुछ खास नहीं होगा चेंजेस, बट यस हमारा वीकली कैंडल क्लोजर होगा तो इंपॉर्टेंट होगा, बट हमने वीकली चार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट जोन को फिर से ब्रेक कर दिया है, तो दिस इज रियली बैड फॉर बिटकॉइन। जो मैं पिछले वीक वार्न कर रहा था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो दिस इज गोइंग टू बी बैड फॉर बिटकॉइन। और जब रिसेंटली फॉल बैक आया था बिलो 30,000 तो मैंने आपको कहा था कि गाइज बिटकॉइन टुक 6 to 15 weeks at least to recover the level of 36,000. ये 6th week है and that's confirm कि अभी तो हम फिलहाल पूरा और टाइम लेने वाले हैं। और ये जो फिगर है ये हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे मैंने आपको बताया था। डेफिनेटली जो है वी कैन से कि हमने हाफ जर्नी ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट देख लिया। वी माइट सी द प्रोबेबल बॉन्स फ्रॉम द कमिंग वीक ऑनवर्ड, बट स्टिल एज पर इंडिकेटर वी आर स्टिल, जितने भी इंडिकेटर्स में अभी आपको देखो सारे निगेटिव बने हुए हैं। तो डेफिनेटली अगर प्रोबेबिलिटी वाइज देखो तो चांसेस देखो, क्योंकि हम काफी ज्यादा बॉटम पे हैं, काफी अच्छे सपोर्ट जो
1 पे है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी सम काइंड ऑफ बाउंस, बट एज पर द इंडिकेटर्स वी डिड नॉट सी एनी काइंड ऑफ यू नो रिकवरी. तो जब तक 20 के अबव हमारा सकुष्टिक आरएसआई नहीं आता तब तक हम एटलीस्ट शॉर्ट ड्यूरेशन में भी जो है शॉर्ट आवर्स में भी जो है कह नहीं सकते कि इमीडिएटली जाने वाला. बट यस मंडे ऑनवर्ड इंपॉर्टेंट होगा, बट उससे पहले अभी क्योंकि संडे ऑनवर्ड जो प्राइस एक्शन है वो हमें क्लोजर देगा वीकली चार्ट पे, तो उसकी भी बात करूंगा. बट शॉर्ट आवर्स में अगर मैं बात करूं 1 आवर के चार्ट पे क्या दिखा रहा है बिटकॉइन, तो स्टिल अगेन वी आर गोइंग टू स्ट्रगल. 21 EMA 51 EMA सिमिलर ट्रेंड जो है वो चल रहा है और अभी वापस से हम जो एवरेज लाइन है RSI का उससे हम डिक्लाइन होते हुए देख रहे हैं. लेकिन ऑल दो RSI इज क्रिएटिंग हायर लो ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम एवरेज लाइन वाइज देखूं या फिर अगर नॉर्मल RSI की भी बात करूं तो दैट इज गुड थिंग. बट स्टिल वी नीड टू सी यू नो बाउंस बैक टुवर्ड्स द 21,000 एंड वी नीड द क्लोजर टू शो रियल मूव्स टुवर्ड्स द 24,000 एंड 23,500 नियर बाय फिगर. एंड डेफिनेटली जो है 4 आवर के चार्ट पे देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको बुलिश डाइवर्जेंस RSI पे बनता हुआ दिख रहा है, बट इट इज समथिंग जो अभी भी होल्ड कर रहा है 50 का RSI, जो 40 का RSI है वो हमें अभी भी रेजिस्टेंस दे रहा है. इफ यू आर एबल टू मैनेज टू ब्रेक दिस लेवल in coming next 24 hours then yes we are going to see a upside price and that will RSI ko jo hai wo leke jayega 50 ke towards and 50 ke aas pass hame resistance milega. That means ki price action will be around in between 23,500 to 21,500. So these are the levels जो कि short term में आपको trading point of view से अगर आप देखते हो तो आप इन figures को जो है इस्तेमाल कर सकते हो. But yes, only I will recommend on my channel अगर आपको जो strategy दिया अगर वो समझ में आता है उसको apply करो. उसमें जब आपको shorter आप time frame पे दिखता है ऐसा कोई opportunity then you can definitely avail that. But अभी market is definitely in the danger zone, इसमें कोई दोहराई नहीं है. And 15 minutes के chart पे अगर मैं बात करूँ strategy video के, still we are getting some kind of long position as per different indicator, but मैंने overall जो strategy बताया उसके हिसाब से हमें फिर line के नीचे जब तक चल रहा होगा price तब तक आपको अगर आप अच्छा खासा investment की बात करो तो आपको नहीं करना है, because we might get reversal from these level, but we will get definitely going to see some kind of resistance on these MFA lines. So yahan pe important hoga, yes different jo hai 5 minutes ke chart pe aap zarur use karke trades zarur le sakte ho, but do remember jab bhi MFA line ke niche ho price to long ka position is really risky and wo abhi aapko dikh raha hoga. Similar way mein CPR chart is also trying to hold that level जो कि lower band में बना हुआ है, tightness हो गया है. मेरे हिसाब से हम संडे भी से इसी हिसाब से देखेंगे momentum, ज़्यादा कुछ खास नहीं बनेगा. Monday onward फिर से हमें momentum मिल सकता है. क्या वो momentum हमारे favor में होगा उसकी बात करूंगा, बट यहाँ पे मैं बात करूंगा CMA gap के ऊपर 2 CMA gap एंड जो बीच का जो नीचे का CMA है वो भी 2 gap बना हुआ है. जिन लोगों को नहीं पता 9,000 के आसपास CMA gap बना हुआ है जिसको हम 1.5 साल से ट्रैक कर रहे हैं. डेफिनेटली जो है और जब से चैनल स्टार्ट हुआ तब से वो CMA gap बना हुआ है. डेफिनेटली उसके अलावा 18,725 से $19,085 के बीच में भी CMA gap बना हुआ है. एक सबसे बड़ा CMA gap जो 24,000 के नियर बाय था वो फुलफिल हो चुका है ऑलरेडी. इसी वीक हमने देखा लगभग 1.5 साल के बाद हमने देखा उस CMA gap को फुलफिल होता हुआ एंड वो काफी CMA gap बड़ा था. यहाँ पे हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं. वन थिंग वी नीड टू नोटिस कि इथेरियम में जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था लास्ट बुल रन का उसे उसने ब्रेक कर दिया, नीचे चला गया. डेफिनेटली इथेरियम का फंडामेंटल थोड़ा सा डिफरेंट है, बट बिटकॉइन में हिस्टोरिकली वी नेवर ब्रोकन द प्रीवियस ऑल टाइम हाई और वो अभी भी मैनेज कर रहा है. स्टिल वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द सपोर्ट, बट दिस इज रियली हार्ड जर्नी फॉर द बिटकॉइन फॉर द नेक्स्ट कमिंग जो 5 to 10 days होने वाले और ज्यादा हार्ड हो सकते हैं. रीजन भी कि यहाँ पे अभी हमें जरूर RSI ऊपर जाता हुआ देखेगा, एक प्राइस रिवर्सल देखने को मिलेगा, बट जो अनदर डिप जो आएगा वो क्या हायर लो मेंटेन करता है या फिर लोअर लो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा. ज्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है ऑन दैट लेवल तो डेफिनेटली जो है बहुत ही क्रूशियल होगा. एंड अगर ऐसा कुछ होता है वो ब्रेक करता है तो हिस्टोरिकली हमने ऐसा कभी नहीं किया पिछले 12 साल में जैसा हम देखेंगे, बट स्टिल चांसेस आर ऑलवेज देयर फॉर थिंग्स गेट ब्रेक एज वेल एज द ये CMA gap फुलफिल होने के. बट अगर आप फंडामेंटली चीजों को देखते हो या फिर आप क्या कोई ऐसा कोई रूल है कि CMA gap फुलफिल होना, तो ऐसा कोई रूल नहीं है, टू रिमेंबर दैट. एंड बट स्टिल बिटकॉइन में अभी पिछले लगभग 2 साल 2.5 साल में, इनफैक्ट मैं कहूंगा 2019 ऑनवर्ड से अभी तक लगभग 18 ऑनवर्ड से अभी तक लगभग सिर्फ 4 CMA gap ओपन है, 2 नीचे और 2 ऊपर. तो डेफिनेटली ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बिटकॉइन के केस में जो कि वो मैक्सिमम टाइम CMA gap फुलफिल करता है. बट डू रिमेंबर हमारे पास CMA gap है 36,000 के टूवर्ड्स भी, तो इस बात को भी याद रखना अगर आप 19,000 CMA gap की बात करते हो. तो यहाँ पे बात करूंगा लॉन्ग एंड शॉर्ट की. डेफिनेटली जो है लॉन्ग में कोई चेंज नहीं है, लॉन्ग कंटिन्यूसली लॉन्ग ऑल टाइम हाई हिस्टोरिकली बढ़ रहा है. मैं हर बार हर टीवी वीडियो में बता रहा हूं
2018 में जब चीजें बियरिस मार्केट में थी, चीजें बियर मार्केट में थी, वहां पे हमने देखा था लॉन्ग पोजीशन घटते हुए या फिर कंसोलिडेट होते हुए, बट ऐसा हम पहली बार देख रहे हैं कि लॉन्ग पोजीशन इतने ज्यादा हाई लेवल के साथ, इतना हाई वॉल्यूम के साथ कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है जनवरी ऑनवर्ड्स। दैट्स आई गिव यू अपडेटेड यू नो ऑन एवरी अल्टरनेट वीक्स और अल्टरनेट टीए वीडियो। सो वो अभी कंटिन्यू है। शॉर्ट पोजीशन में मैंने आपको कहा था कि दिस इज इंपॉर्टेंट लेवल, जब 10 जून के आसपास प्राइस था, अगर हम ये ब्रेक करते हैं दिस इज रियली बैड फॉर द बिटकॉइन, फॉर शॉर्ट कमिंग आवर्स, फॉर अपकमिंग डेज, इनफैक्ट शॉर्ट टर्म में, तो डेफिनेटली वो प्ले आउट हो गया, बट स्टिल वी आर होल्डिंग दिस लेवल एज ए सपोर्ट। वी नीड टू सी कि हम कब इसे ब्रेक करते हैं, स्टिल इट इज इन द पोजिशन कि हम इमीडिएटली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इसे ब्रेक करते हुए, बट येस वी आर स्टिल इन द डाउन ट्रेंड, दैट्स फॉर श्योर, बट वी हैव टू सी कि कब इसमें एक्चुअली ब्रेकआउट नीचे की तरफ आता है। वी नीड टू सी कि ये येलो लाइन जो है ये अब हमें वापस से जो अभी फिलहाल सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है आज के दिन, ये हमें रेजिस्टेंस दे आने वाले डेज में। जब ऐसा कुछ होगा मैं डेफिनेटली अपडेट करूंगा। तो स्टिल देर इज नो चेंज ऑन दीज ग्राफ्स एंड डेफिनेटली मैंने यहाँ पे बात की थी 6 to 15 weeks की ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस जो भी प्राइस एक्शन हुआ है। डेफिनेटली जो मोमेंटम वाइज देखोगे तो बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ ड्रॉप दिख रहा है येलो ब्लू जोन के बाद नीचे आने पर। लेकिन एक चीज याद रखना, RSI जहां पे हम अभी बैठे हैं दिस इज द लेवल जो हिस्ट्री में 2011 के बाद से वीकली चार्ट पे कभी भी हम नहीं गए थे। 2011 के दिसंबर 2011 के बाद हम पहली बार देख रहे हैं इस लेवल पे रीच करते हुए। इस बीच में दो बियर मार्केट, दो बुल मार्केट आ चुके हैं ऑलरेडी, बट स्टिल वी नेवर सॉ दैट RSI लेवल रिट्रेस बैक टू ऑन दैट लेवल, दैट मच लोअर। ओके, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड दूसरी बात, अगर आप सिंपल से स्ट्रैटेजी रखते हो कि बिलो 30 में बाई करूंगा, अबव 70 में सेल करूंगा, देन डेफिनेटली दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, बिकॉज RSI इज सिटिंग अराउंड 26 यू नो RSI। एंड अभी आप देखोगे ध्यान से तो यस वी हैव ब्रोकन दिस स्ट्रक्चर ऑलरेडी, बट यहाँ पे एक चीज और याद रखना, S&P के साथ जो हम कंपेरिजन करते हैं इस चार्ट को, उसको अभी भी आप अगर देखोगे तो दैट स्ट्रक्चर इज स्टिल वैलिड ऑल दो ड्यूरेशन वाइज हम नहीं कंपेयर कर सकते बिकॉज दैट इज ऑन द मंथली चार्ट, और यहाँ पे बिटकॉइन के चार्ट पे हम वीकली चार्ट पे फॉलो कर रहे हैं, बट वी हैव सीन सम काइंड ऑफ रिवर्सल इन दिस काइंड ऑफ रिवर्सल जब हमने देखा था लगभग 2009 ऑनवर्ड जो है रिवर्सल मार्केट ने लिया था। तो यहाँ पे बिटकॉइन के चार्ट पे स्टिल वी आर होल्डिंग दैट पर्टिकुलर लेवल, सो दैट इज द वन थिंग जो आपको नोटिस में रखना है। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे RSI काफी ज्यादा बॉटम अप हो गया, बट इट डजेंट मीन कि क्या हम नीचे और नहीं जा सकते हैं, कोई भी चीज 100% प्रूफ नहीं होता, बट दैट्स फॉर श्योर कि ये लेवल बहुत ही ज्यादा चीप है। एंड आपको याद होगा जब जनवरी 2021 में RSI डिक्लाइन होना शुरू हुआ था, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई टोल्ड यू कि यार दिस टाइम इट सीम्स यू नो डिफरेंट बिकॉज RSI इज ऑलरेडी सो मच पीक एंड यहाँ पे होल्ड करना बहुत जरूरी है 70 के अब। जब 70 के बिलो हम गए थे अप्रैल 2021 में, तो मैंने आपको कहा था कि प्राइस ड्रॉप होना है और वो होगा। डेफिनेटली आई वॉज एक्सपेक्टिंग 30,000, बट उससे नीचे गया था प्राइस, 28,000 तक गया था। एंड सिमिलर वे में उसके बाद हमने एक रैली देखा टुवर्ड 70,000, दैट आल्सो यू नो गेट इंटैक्ट विद द चार्ट जो कि प्रीवियस साइकिल के साथ रहा। बट जब इस लेवल से डिक्लेनेशन शुरू हुआ था ऑलमोस्ट 60,000 से वापस से रिट्रेस करने लगा था, तब से मैं आपको बार बार कह रहा था कि इट इज इंपॉर्टेंट टू होल्ड दिस लेवल, अगर हम ये होल्ड नहीं करते दिस इज रियली बैड फॉर बिटकॉइन। वहां पे मैं 2 महीने 3 महीने करके ऐसे करके बताते रहा था कि यार इट इज नॉट लुकिंग गुड, स्ट्रक्चर इज नॉट लुकिंग गुड, बट यस वी आर स्टिल इन द बुलिश ट्रेंड एंड यस हमने उस चीज को ब्रेक कर दिया। देयर इज जो साइडवेज एक्शन की बात कर रहा था वो ब्रेक हो चुका है, लेकिन सेम चीज यहां पे ब्रेक हुआ था। डू रिमेंबर जब मैं बात कर रहा हूं साइडवेज एक्शन ब्रेक होना, तो यहाँ पे ब्रेक हुआ था S&P के चार्ट पे ऑन द मंथली चार्ट, एंड सिमिलर वे में हमने यहाँ पे ब्रेक किया ऑन द वीकली चार्ट। सो वी नीड टू सी कि हाउ इट बिहेव इन नेक्स्ट कमिंग 2 to 3 weeks, बिकॉज जब जब हिस्टोरिकली ऐसा रेड कैंडल हमें वीकली चार्ट पे दिखा है, कंप्लीट रेड कैंडल, इट्स अ कंप्लीट रेड कैंडल, वी हैव सीन सम काइंड ऑफ क्विक रिवर्सल एज वेल उसके जो इमीडिएट कमिंग वीक्स होते हैं, बट यस दैट डजेंट मीन कि वो हमें इस जोन के अंदर लेके जाएगा। स्टिल डू रिमेंबर हम 6 to 15 week का जो लेके चल रहे हैं रेंज वो उसके अंदर ही है। एंड गाइज आप लोग में से कई लोगों के क्वेश्चन होंगे क्या हम जो हालविंग वाला जो साइकिल है उससे डेविएट हो चुके हैं एज पर दिस, तो वी हैव ऑलरेडी डेविएटेड एज पर द यू नो प्राइस टारगेट
कि अगर मैं बात ना करूं तो भी डिफरेंट अगर एनालिसिस डिफरेंट आप फंडामेंटल्स देखते हो तो वो ऑलरेडी डेविएटेड है एंड प्राइस इज नॉट शोइंग द एक्चुअल यू नो व्हाट फंडामेंटल्स इज. तो दिस इज द काइंड ऑफ बुलिश डाइवर्जेंस वी आर एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस राइट नाउ ऑन द ग्राफ. तो वो चीज मेंटेन है. बस ये बॉलिंजर बैंड पे जब ये ब्रेक हो रहा था तब मैंने आपको बताया कि बहुत केयरफुल रहना बिकॉज यहाँ पे कोई बड़ा मूव आने वाला है. तो बड़ा मूव आया बट हमारे अगेंस्ट गया था. आई टोल्ड यू कि अगर ये बॉलिंजर बैंड के नीचे रहता है दिस इज गोइंग टू बी बैड फॉर बिटकॉइन. अगर ये बॉलिंजर बैंड के ऊपर रहता तो ये बड़ा मूव हमारे फेवर में होगा. तो अनफॉर्चुनेटली हमारे अगेंस्ट रहा और वी हैव सीन पिछले एक वीक में अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग अराउंड 30% से भी ज्यादा का ड्रॉप हमने देखा प्राइस एक्शन में. तो इफ यू आर यू नो फॉलो दिस चैनल एंड अगर आप उसके बेसिस पे प्लान कर रहे होगे अपने एक्टिविटीज को तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू. बट यस दीज आर द लेवल्स जो कि काफी लोगों को सरप्राइज किया. बहुत लोग कहेंगे कि उनको पता था बट डू रिमेम्बर कि ये चीजें ये बातें जो अभी हो रही है मार्केट में सेम बातें मई 2021 में भी हो रहा था जिस वक्त प्राइस एक्शन 30,000 के आसपास ओवर कर रहा था. बट उनको वो चीज बात ट्रूथ होने में 1 साल से भी ज्यादा टाइम लग गया. टुडे इट इज जून राइट. तो 1 साल से भी ज्यादा लग गया. तो सिमिलर वे में आई विल टेल यू कि यहाँ पे फंडामेंटली बहुत कुछ डिफरेंट है. अगर दे आर यू नो गेट पेशेंस एंड वो वहां तक के लिए वेट कर रहे हैं सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम एटलीस्ट दैट इज अचीव. बट इन बिटवीन दे हैव ऑल्सो मिस दैट यू नो रैली टूवर्ड्स द 70,000. तो इक्वली प्रोपोर्शन में आपके यू नो आप किस तरफ किस किस वे में डायरेक्शन में देखते हो मार्केट को बट ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स दोनों को अगर क्लब करके देखोगे तो वी आर यू नो हिस्टोरिकली हम बहुत बड़े डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहे हैं प्राइस सेक्शन में और जो एक्चुअली फंडामेंटल है. दिस इज द रियल ट्रूथ एंड प्राइस आर एस. अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँ तो यस एज पर टेक्निकल एनालिसिस वी आर नॉट इवन लुकिंग गुड सिंस फ्रॉम दिसंबर 2021 जिसकी मैं बात बार बार कह रहा हूँ फर्स्ट वीक दिसंबर ऑनवर्ड से. इनफैक्ट मैं नवंबर से कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमें वो प्राइस एक्शन नहीं देखने को मिल सकता है बट स्टिल हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है तो यू कैन टेक द चांस. बट जनवरी ऑनवर्ड्स इट वाज रियली बैड मोमेंटम फॉर यू नो रेस्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसी. ऑल्ट कॉइन के बारे में मैं बार बार कहता हूँ कि 40,000 के बिलो जब जाता है बिटकॉइन तो इट वोंट सर यू नो एबल टू होल्ड देयर पोजिशन. सिमिलर वे में चाहे वो सोलाना हो जो मैंने कहा था कि सोलाना सेल करो सोलाना में एंट्री मत करो जब वो $200-$250 के आसपास था. एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम लॉट्स ऑफ पीपल आर शॉर्टिंग टू मी कि यार सोलाना से क्यों एग्जिट करा रहे हो. अक्टूबर में जब ऑल्ट कॉइन से मैंने एग्जिट कराया था पूरा पोर्टफोलियो लोगों के 100% पोर्टफोलियो थे उस वक्त तो भी लोगों के क्वेश्चन थे कि अभी तो बढ़ रहा है मार्केट तो क्यों मैं एग्जिट करूं. तो दिस इज द रीजन व्हाई आई टोल्ड यू यस इट विल टेक टाइम. इन बिटवीन देर आर फ्यू हो यू नो फ्यू साइन जो टेक्निकली हमें दे रहा था स्ट्रॉन्ग सिग्नल बट बिटकॉइन जो कहता हूँ मैं बिटकॉइन इज द यू नो बाप है और बाकी सब उसको फॉलो करेंगे. तो बिटकॉइन ने अपना जो भी मूव दिखाते हैं उसके आगे उसके इर्द गिर्द ही बाकी चीजें चलती है. तो बिटकॉइन नेवर सपोर्ट दैट ऑल्टकॉइन. दैट्स व्हाई ऑल्टकॉइन कीप गेटिंग यू नो डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन. दैट्स द ओनली रीजन आई टोल्ड यू कि यार अभी यहाँ से ऑल्टकॉइन से एग्जिट करो. अगर आप BTC पेयर में देखते हो तो भी और अगर डॉलर में देखते हो तो थोड़ा सा रिस्की है लेकिन ले सकते हो अगर आप सेफली देखना चाहते हो. तो अक्टूबर ऑनवर्ड का डिसीजन अभी आपको जरूर सही लग रहा होगा. बट यस बिटकॉइन में भी सिमिलर वे में 70,000 से जब गिर के 60,000 के आसपास गया था मैं आपको मल्टीपल वार्निंग दे रहा था कि वी आर नॉट लुकिंग गुड फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. बट यस आई एम होल्डिंग इट फॉर द लॉन्ग टर्म. सो आई एम स्टिल एक्सपेक्ट कि ये हायर हाई बनाएगा एंड स्टिल जो हमने अभी इस रन में अभी तक देखा है वो प्राइस एक्शन अभी रियलिस्टिक प्राइस एक्शन से काफी नीचे हैं. जो माइनर्स हैं वो अभी लॉस में है. दिस इज द रियलिटी. जो आपके इन्वेस्टर्स हैं आपको लगता है आप लॉस में हो तो देर आर लॉट्स ऑफ इन्वेस्टर इंक्लूडिंग मी जो लॉस में है. व्हाट इट मींस इट्स ए चीप. तो डोंट थिंक कि इट इज समथिंग जो आपको ही ऐसा आपके साथ ही ऐसा हो रहा है. इट्स समथिंग जो सबके साथ हो ऐसा हो रहा है. बट डू रिमेंबर देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि मार्च ऑनवर्ड्स हमने देखा मार्केट में और जिसकी वजह से जो है कहते हैं ना आग में घी डालने का काम हुआ है तो वो बिल्कुल ही चल रहा है. एंड मैं बार बार DXY के चार्ट पे आपको बार बार रिमाइंडर दे रहा था. जब ये नीचे गया था पिछले हफ्ते तब भी मैंने आपको रिमाइंडर दिया था कि गाइज वी माइट गेट बॉन्स. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा अगर हमें बॉन्स मिलता और अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं वी माइट सी ए मूव टूवर्ड्स 106 और टू बी फ्रैंक जो अभी रिसेंटली हमने देखा 105.788 का लेवल देख लिया वहां से जरूर हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है. बट वी आर स्टिल इन द अप ट्रेंड एंड जो मैंने आपको वीकली चार्ट पे कई हफ्तों से बता रहा हूं कि DXY जो है अगर इस लेवल को वापस से ब्रेक करता है आफ्टर गेटिंग सपोर्ट देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी 106-107 लेवल. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू यू नो गेट रेजिस्टेंस ऑन दैट लेवल देन इवन 110 एंड 112 लेवल 113 लेवल डिपेंड्स कि किस टाइम जोन में वो पहुंचता है वो पॉसिबल है. एंड दीज आर द थिंग्स जो कि प्रीवियस के जो मूव्स हैं उसके बेसिस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉन है.
तो दिस इज नॉट फ्रॉम माई पॉकेट, दिस इज समथिंग जो हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है. तो डज दैट मीन्स कि मार्केट और ज्यादा ब्लीड करेगी? तो यस, मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, यस इट इज पॉसिबल. बट डू रिमेंबर इस जगह के आसपास 106-107 के पास फिर से हमें रेजिस्टेंस मिलने के हाई चांसेस है. तो 106 and 107 से अगर रेजिस्टेंस देखने को मिलता है तो वी विल फॉल बैक अगेन टुवर्ड्स 100 लेवल. तो एक कह सकते हो कि हमें टुवर्ड्स जो है नीचे की तरफ प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा. बट एक चीज और याद रखना, अभी बात कर रहा हूँ मैं 2021 ऑनवर्ड से. कई बार मैंने बताया कि वर्ल्ड जो है रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है. इफ़ यू आर न्यू टू चैनल देन डेफिनेटली इट्स अ न्यू फॉर यू. बट पिछले जब 2021 ऑनवर्ड जनवरी से मैं कह रहा हूँ कि वर्ल्ड जो है रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है. बट इट इज समथिंग जब कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा. अभी सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई इट वॉन्ट कम. डू रिमेंबर, यस वी आर वीकेंड, हम हर हफ्ते जो है वीक होते जा रहे हैं, टेक्निकली भी एंड फंडामेंटली. फंडामेंटली तो हम पिछले 10 सालों से वीक हैं. अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूँ, पिछले 3 साल से स्पेशली बहुत ज़्यादा वीक हैं. बट वी हैव सीन कि जनवरी 2022 तक जो है हमने ऑल टाइम हाई बनाया है स्टॉक मार्केट के अलग अलग स्टॉक पे. एंड उसके बाद से हमने बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन करेक्शन देखा है. बट दिस इज नॉट अ रियल मूव. रियल रिसेशन विल कम मे बी अराउंड आफ्टर फ्यू ईयर डाउन द लाइन. बट यहाँ पे ये जस्ट हमें ट्रेलर है कि वट विल हैपन टू इवेंचुअली. एंड जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स इकोनॉमीज हैं वो कैसे कोलैप्स करेगी, वो आने वाले 10 सालों में आपको देखोगे कि कैसे वर्ल्ड पावर इकोनॉमी वाइज चेंज होता है. बट यस, उससे पहले अभी सभी लोग गुरु बने हुए मार्केट के. सभी को लगता है कि दे हैव प्रिडिक्टेड देयर मार्केट वेरी वेल. दैट्स वाई मार्केट विल मूव डिफरेंटली अगेन दिस टाइम. एंड मोस्ट बुलिस जब हम होंगे वहां से रिसेशन स्टार्ट होगा. डू रिमेंबर वी नेदर गेट. अगर मैं बिटकॉइन की बात करूँ, लोग कहते हैं क्या रिसेशन में बिटकॉइन भी नीचे गिरेगा? तो आई टोल्ड यू, पहले भी मैंने एग्जांपल दिया हुआ गोल्ड के साथ कि गोल्ड की तरह बिहेव करेगा. गोल्ड भी इनिशियली गिरता है, बट ड्यूरिंग द मिड टाइम, मिड पीरियड ऑफ द रिसेशन, गोल्ड विल इवेंचुअली ग्रो. सिमिलर वे में बिटकॉइन भी बिहेव करेगा. बट बिटकॉइन की जर्नी जो है अभी तक की, जो पिछले हमने कुछ सालों से देखा, दिस इज कंप्लीटली फ्लैट एंड लेवल. दिस इज नॉट ए पीक. डू रिमेंबर, एंड दिस इज द कंसोलिडेशन लेवल जो कि हमने ब्रेक किया. एंड वो वहां से फर्दर 30% का करेक्शन ज्यादा ले चुका है. दिस इज दैट फैक्ट. बट डू रिमेंबर सिमिलर काइंड ऑफ मूव्स वी हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस इन द S&P एज वेल. वहां पे जरूर जो है ईयरली चार्ट पे हो रही थी चीजें, वहां पे हमने 20% का डाउनवर्ड मूव देखा था. डेफिनेटली बिटकॉइन इज मोर वॉलेटाइल देन S&P, तो सिमिलर वे में आपको दिखेगा. तो इन सब चीजों पे आपको फोकस रखना है. एंड आई विल ट्राई टू यू नो गेट मोर चार्ट्स, फंडामेंटल चार्ट्स इन कमिंग डेज, बिकॉज ये वीडियो काफी लंबा हो गया. डोमिनेंस चार्ट की बात करूंगा. डोमिनेंस चार्ट बहुत ही शार्पली गिरा है. कहाँ से? बिल्कुल हमारे रेजिस्टेंस जोन जो मैं पिछले एक हफ्ते से आप लोगों को बता रहा था. इफ यू गाइज रिकॉल इट, मैंने आपको कहा था कि इस लेवल से 49.33 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा. टू बी फ्रैंक, उससे पहले हमें देखने को मिल गया 48.45 से. इस वीक, पूरे वीक हम गिरते हुए देख रहे हैं. इवेंचुअली हमने इस वीक के स्टार्टिंग में बढ़ते हुए देखा, फिर उसके बाद गिरते हुए देखा. और बिटकॉइन भी गिर रहा है, डोमिनेंस भी गिर रहा है. तो क्या करना चाहिए? तो ऑब्वियसली BTC पेयर में आप अगर देख रहे होगे तो रिलीफ रैली बहुत ज़्यादा पिछले 2-3 दिनों में देखा, और वो शायद कंटिन्यू रह सकता है अगले कुछ आवर्स तक. लेकिन डू रिमेंबर हमारे पास एक सपोर्ट जोन है इस जगह पे 43.50 के आसपास. 43.50 के नीचे जब तक हम क्लोजर नहीं लेंगे अगले वीक भी, तब तक हम सेफली नहीं गएंगे. बिकॉज जब भी हिस्टोरिकली हमने ऐसा रेड कैंडल देखा है, उसका नेक्स्ट कंजुगेटिव वीक बहुत ही शार्प बुलिश दिखा है. तो ऐसा हो सकता है कि बिटकॉइन ऊपर जाए, लेकिन BTC के टर्म में अगले वीक ऑल्टकॉइन जो गेन दिखा रहे हैं वो वापस से नीचे चले जाए. तो इस चीज के लिए तैयार रहना. अगेन आई गिव यू द वार्निंग इन एडवांस, इफ यू वॉन्ट टू टेक इट जस्ट टेक इट, अदरवाइज जस्ट ऑब्जर्व द मार्केट एंड फॉलो इट. बिकॉज हिस्टोरिकली हमने जब भी ऐसा मूव दिखाया डोमिनेंस पे, हम अगले वीक स्पाइक दिखाए हैं. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वॉलीटिलिटी आता है, वॉलीटिलिटी हमारे अगेंस्ट भी होता है, हमारे फेवर में भी होता है. BTC पेयर में जरूर फेवर में है, लेकिन टू बी फ्रैंक इस पूरे वीक ऑल्टकॉइन नीचे गया, सबको पता है इन टर्म्स ऑफ डॉलर. तो आपकी थिंकिंग कैसी है उसके हिसाब से करना है. लेकिन यस, वी आर स्टिल इन द डेंजर जोन. ऑल द वीकली चार्ट पे इट सीम्स कि हम रिवर्सल ले सकते हैं. और अगर हम 43.50 को ब्रेक कर देते हैं, उसके नीचे चले जाता है अगले वीक भी रिटेस्ट करने के बाद, देन इट इज गोइंग टू बी द गुड वन BTC पेयर में अगर ट्रेड करने की बात कही जाए तो. बट यस, जहां पे हम अभी हैं यहां से थोड़ा सा स्कोप और ज्यादा नीचे जाने का है. अदरवाइज यू कैन एक्सपेक्ट सम बॉन्ड्स ऑन दीज लेवल्स, स्पेशली 43.81, इनफैक्ट यहां पे भी 44.25 पे. तो इन दो लेवल्स पे नजर रखना, बिकॉज इट विल इम्पैक्ट ऑल द ऑल्ट कॉइन्स, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ BTC.
एंड डेफिनेटली जो है बिटकॉइन, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मंडे ऑनवर्ड हमें एक मूव फर्दर ऊपर की तरफ जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन टिल दैन अभी भी हम डेंजर जोन में बने हुए हैं। वी नीड टू ऑब्जर्व क्लोजली कि आरएसआई कैसे बिहेव करता है। ऑल दो 4 आवर के चार्ट पे हमें बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है, बट स्टिल वी नीड टू रिस्पेक्ट द रेस्ट ऑफ द हायर टाइम फ्रेम जो इंडिकेटर्स अभी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केयरफुल रहना है, एंड ट्रेडिंग अगर करते हो जब तक आपको स्ट्रैटेजीज नहीं है, आपके पास कोई सॉलिड स्ट्रैटेजी, चाहे वो मैंने दिया हो, चाहे कहीं से भी आपको, या फिर आपने खुद से डेवलप किया हो, तब तक आप मत करना है। एंड स्पेशली जो यहाँ पे अभी टाइम पीरियड है वो शायद स्पेंड करता हुआ देखिए। इथेरियम इज ऑन द लेवल विच इज रियली वेरी लो, रियली वेरी लो। वी कैन एक्सपेक्ट सम बॉन्स डेफिनेटली, बट जो रेजिस्टेंस हमें मिलेगा बीटीसी पेयर में 0.056 के आसपास मिल सकता है। और यहाँ पे अभी वॉल्यूम के साथ हमने देखा एक्यूमुलेशन बहुत हैवी, बहुत दिनों के बाद, टू बी फ्रैंक बहुत दिनों के बाद एक हैवी वॉल्यूम हमने देखा था 28 अप्रैल को और रिसेंटली अभी 15 जून को, पिछले 1.5 साल से। इनफैक्ट मैं अक्टूबर जब मैंने कहा था कि यार मैं इथेरियम होल्ड कर रहा हूँ, बट इफ़ यू वांट यू कैन क्लोज योर पोजीशन बिकॉज आई कैन सी कि इथेरियम और नीचे जा रहा है, उसके बीच में हमें फर्दर ऊपर जाता हुआ देखा। और आई टोल्ड यू कि इट इज़ अ रिस्की, इट इज़ नॉट, जब तक बिटकॉइन रिकवर नहीं करेगा तब तक हम नहीं करेंगे सब कुछ में रिकवर। ऑल्दो इथेरियम हैज सोन सम काइंड ऑफ यू नो न्यू हाई, बट स्टिल इट इज़ गेटिंग रिजेक्टेड। एंड डेफिनेटली दिसंबर 2021 के बाद से कंटिन्यूसली फिर से डिक्लाइन होना शुरू हुआ था। आई टोल्ड यू कि मैं होल्ड करने वाला हूँ, बट इट डजेंट मीन कि आप होल्ड करो, बिकॉज इट्स डिपेंड कि आपका कितना परसेंटेज ऑफ यू नो आपका लगा हुआ है एक पर्टिकुलर एसेट में। तो इथेरियम बीटीसी चार्ट पे उस लेवल से अगर देखा जाए तो भी, अगर मैं अक्टूबर की भी बात करूं, अक्टूबर जहां पे हमने देखा था, हमने बात की थी कि क्लोजर की, तो अगर मैं उस लेवल की भी बात करूं, लगभग इस लेवल के आसपास हमने देखा था अक्टूबर में, हमने क्लोज लिया था उस पोजीशन से भी अगर मैं देखूं तो लगभग ऑलमोस्ट 30% डाउन इन बीटीसी पेयर इथेरियम अभी भी है। तो दिस इज द रियलिटी। बट यस, ऑन द आरएसआई लेवल हम बहुत ही ज्यादा बॉटम अप हो चुके हैं, यहाँ पे एक रैली हम जरूर देखेंगे। बट यस, डोमिनेंस चार्ट पे नजर रखना, एंड तभी इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे प्लान आउट कर सकते हो ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट। यूएसडी चार्ट पे ये बिल्कुल बिहेव करेगा जैसे बिटकॉइन बिहेव कर रहा है, एंड आई कैन सी अनदर फ्यू डेज जो है वो थोड़ा स्ट्रगल भर रहा होगा, उसके बाद वी कैन सी सम बॉन्ड्स टुवर्ड्स द $1400 $1500, देन दैट इज द रियल केस कि वहां से हमें रेजिस्टेंस कैसे मिलता है और उस पर क्या हमें सपोर्ट देखने को मिलता है। बट क्या ये काफ़ी ज़्यादा चीप है? तो यस, इसमें कोई दोहराई नहीं है। रीजन बिंग इथेरियम 2.0 इज ऑलरेडी इन द यू नो ऑन द शेड्यूल, एंड डेफिनेटली जो है बिटकॉइन की वजह से इथेरियम भी सफ़र कर रहा है, एंड ऑल्टकॉइन हमेशा ज़्यादा सफ़र करते हैं, सिमिलर वे विद इथेरियम भी सफ़र कर रहा है, एंड बाकी को ऑल्टकॉइन भी इसी हिसाब से बिहेव करेंगे जैसे इथेरियम कर रहा है। आई ऑलवेज टोल्ड यू कि इथेरियम को आप एज ए इंडेक्स देख सकते हो बाकी रेस्ट ऑफ द ऑल्टकॉइन का। बट यस, यहाँ पे हमें सपोर्ट एक्सपेक्ट करना चाहिए और वो हमें मिलेगा, और इसी जगह पे शायद हम 2 या 3 हफ्ते भी स्पेंड कर सकते हैं टाइम इसी जोन में, लगभग $1200 से $1400 के बीच में। एंड जो उससे नीचे $1200 के नीचे कोई भी प्राइस एक्शन है, दैट इज समथिंग छोड़ना नहीं चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से मेरे से पूछते हो। डेफिनेटली जो ट्रेडिंग पर्पज से थोड़ा सा महंगा लो, लेकिन बेटर एंड सेफ पोजीशन लो। मैं हमेशा कहता हूँ जाके स्ट्रैटेजी वीडियो देखो। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, डेफिनेटली काफ़ी दिनों के बाद था, मैंने ट्राई किया बहुत सारी चीज़ों को कवर करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे आने वाले कमिंग डेज में मैं कुछ फंडामेंटल्स चार्ट लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, सो दैट आप लोगों को समझ में आया कि बिटकॉइन क्यों अभी भी लास्ट बियर रन के कंपैरिजन में हम काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। लास्ट बियर रन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था जो कौन से एनालिसिस पे अभी हो रहा है। आई विल ट्राई टू कैप्चर दोज फिगर्स एंड मैं आपको प्रेजेंट करूंगा आने वाले डेज में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।